बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त भाई खैर ऑफियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज का वीडियो का टॉपिक जानवरों की कौन सी डिवर्मिंग करनी चाहिए, किस तरह की डिवर्मिंग करनी चाहिए और सबसे अच्छी डिवर्मिंग कौन सी है। आज मैं इंशाल्लाह वो आपको बताऊँगा कि आपने कौन सी डिवर्मिंग करनी है अपने जानवरों की और किस तरह करनी है और सबसे अच्छी डिवर्मिंग कौन सी आ रही है जिसके बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, बहुत अच्छे नतायज हैं जिसके। तो आज मैं प्रॉपर आपको गाइड करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जो बकरी पाल हजरात हैं या जो भाई लोग अपने छत पे शौक करते हैं, उन दोस्त भाइयों को आप ज़रूर शेयर किया करें वीडियो, ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके। तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, तो आपको बताऊँगा कि किन जानवरों की डिवर्मिंग करते हैं और किस वजह से करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, किस लिए ये डिवर्मिंग जो है ये जानवर के कार आमद होती है, जानवर के मैदे के लिए, जानवर के लिए, और कौन सी ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से हम डिवर्मिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो जानवर खाते पीते ठीक हैं, अपना बॉडी वेट जो है वो बढ़ा नहीं रहे, वज़न अपना बढ़ा नहीं रहे, उन जानवरों के लिए डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है। और वो ऐसे जानवर जो खाने के साथ साथ जो खुराक खाते हैं वो मेंगनों के ज़रिए, जिसमें क्रम्स वगैरह आते हैं, जिसको हम कहते हैं जी उसके अंदर सुंडियाँ निकलती हैं, कीड़े निकलते हैं उनकी मेंगनों में से, गोबर में से, उन जानवरों की डिवर्मिंग की जाती है। ठीक है, और सबसे अहम वो जानवर होते हैं जो हम कुर्बानी पे पालते हैं, कुर्बानी के लिए जो कुर्बान करते हैं उन जानवरों को हम घर में शो करते हैं, जानवर पाल के। वो जानवर बहुत ही लाजिम होते हैं कि जो अपने बॉडी स्कोर को बढ़ाएं, ना कि बॉडी स्कोर कम करें। ये ऐसे जानवर जो अपना खाना पीना बिल्कुल ठीक करते हैं और बॉडी स्कोर बढ़ाते नहीं, अपना जो वज़न है वो नहीं बढ़ाते। किस वजह से नहीं बढ़ाते? इस वजह से नहीं बढ़ाते कि उनके अंदर जो कीरम्स हैं, जो कीड़े हैं, वो सारी खुराक वो हज़म कर रहे हैं उसकी, और आपके जानवर को कुछ भी नहीं लग रहा। इस वजह से डिवर्मिंग करनी पड़ती है। और आपको मैं बताता हूँ कि डिवर्मिंग में सबसे अच्छी डिवर्मिंग कौन सी आती है। पहले नंबर पे आ जाती है निलजान प्लस, दूसरे नंबर पे आ जाती है पंच, और बड़ी सी ऐसी कंपनी है जिनकी डिवर्मिंग है। और लेकिन जो मैंने जो सबसे बेहतर नतीजे जिसे मुझे मिले हैं वो आपको मैं आज शेयर करूँगा, उसका नाम है पंच, वो मैं दिखाता हूँ आपको। लें जी दोस्तों, ये है वो डिवर्मिंग के बॉटल्स हैं, ये निलजान प्लस है और ये पंच है। ठीक है, निलजान प्लस बहुत एक मानी गई डिवर्मिंग है, डिवर्मिंग लिक्विड जो जानवरों के किरम्स वगैरह को ख़त्म करती है, जानवरों के मैदे में, फिफड़ों में और अंतड़ियों में, जिगर में जो किरम्स होती हैं ना, उनको ख़त्म करती है। लेकिन इससे भी अच्छा रिज़ल्ट जो मैंने पाया है वो है पंच। पंच का बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट है। ये 100 ml की बोतल है, ये किसी भी जानवरों के वेटरनरी स्टोर से आपको बआसानी इजीली मिल सकती है। ठीक है, और इसका देने का तरीका कार क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी समझा देता हूँ कि इसको देना कैसे है। लेकिन पहले इसकी जो प्रॉपर इसके फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पंच के अंदर कौन कौन सी ऐसी उन्होंने चीज़ ऐड की है जिसकी वजह से इसकी कारगर्दगी बहुत अच्छी है। पंच के अंदर जनाब इन्होंने जो जो चीज़ें ऐड की हैं, क्लोजेनाइड्स है और कल्फो ओजल है और कोबाल्ट है, सेलेनियम है और दोहरी ताकत वसी बासर ताकत अंदरूनी किरम्स की दुआ है। ये इसके मुनफरद अज्जा मवेशियों को गोल किरमों, इनके अंडों और इसका फीतानुमा किरमों के बारे में आपको बताऊं। अक्सर दोस्त भाइयों के जानवर ऐसे होते हैं जो मोशन करते हैं, मोशन के साथ वो ना एक लेयर सी बनी आती है, फीतानुमा सा चर्बी सी निकलती है, फीतानुमा सी वो चर्बी से जो निकलती है ना वो भी किरम्स ही होते हैं। वो अंदर के किरम्स के जो अंडे हैं ना वो मिक्स हो के जुड़ के उनके मोशन के ज़रिए बाहर आते हैं, और हम समझते हैं कि पता नहीं ये चर्बी की निशानी है, ये चर्बी की अलामत, चर्बी बाहर निकल रही है, वो चर्बी नहीं है, वो असल में किरम्स हैं। सेलेनियम कोबाल्ट के इस्तेमाल से मवेशियों की कारगर्दगी में इजाफा होता है और एहतियाती तदाबीर वगैरह सारा कुछ ऊपर लिखा हुआ है। 14 रोज़ के लिए जानवरों को
گوشت اور ایک روز کے لیے دودھ میں استعمال نہ کریں، یعنی کہ 14 روز کے لیے جانور کا گوشت استعمال نہ کریں، اور ایک روز کے لیے جو دودھ آپ جس جانور کی آپ نے ڈیورمنگ کرنی ہے نا، جو دودھ والا جانور ہے اس کا آپ نے دودھ استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو دینے کا طریقہ کار باڈی ویٹ کے حساب سے ہے، اور دینا کیسے ہے؟ اس کو دینے کا طریقہ کار سب سے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دودھ لینا ہے یا لسی لینی ہے، اس کے اندر ایک گلاس اگر دودھ ہے اس کے اندر آپ نے 4 سے 5 یا 6 چمچ آپ نے کھانے والے چمچ جو ہیں چینی یا گڑ وغیرہ ملا لینا ہے، اس کو اچھی طرح حل کر لیں، اور باڈی ویٹ کے حساب سے جتنا سی سی اوپر لکھا ہوگا اس نے آپ نے اس حساب سے اپنے جانور کو دینا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو آپ نے چینی یا گڑ آپ نے میٹھا اس میں ڈالا ہوگا، کرمز جو بھی ہیں نا، کیڑے وغیرہ جتنے بھی ہیں، وہ سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اور اوپر سے آپ جب اس کو آپ نے پلا دینی ہے دوائی، یہ پنچ ڈیورمنگ آپ نے جب پلانی ہے نا اس کو، تو وہ سیدھا اٹیک کرے گی اس کے کرمز کے اوپر جا کے، اور آپ کے جانور کا جو میدا ہے وہ بھی صاف ہو جائے گا، انتڑیاں جگر وغیرہ سارا کچھ اوکے ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی قیمت 490 یا 450 کو 450 کی مل سکتی ہے آپ کو، اگر آپ کے میڈیکل سٹور والے آپ کو کوئی پرسنٹیج میں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں پنچ نام ہے اس کا، بہت اچھی ڈیورمنگ ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کریں، چینل پہ جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب اللہ حافظ۔